मात्र 8 आरोपियों तक पहुंच पाई है। इस घटना को अंजाम देने वाले 18 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। नरेश, ये गोलू सिंह जो मास्टरमाइंड था, पुलिस ने क्या तफसील से बताया पूरे घटनाक्रम को? जी अभिषेक जी, तफ्तीश में बताया ये स्पष्ट नहीं किया, हालांकि पुलिस ने कि इसको गिरफ्तार कहां से किया गया है, किस क्षेत्र से इसकी गिरफ्तारी की गई है। बाकी अभी तक जो भी पुलिस का इस मामले में जानकारी दी गई या जो भी जानकारी अभी तक पुलिस से प्राप्त हो पाई है, उसमें गोलू सिंह के लिए इस हत्या के लिए मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। गोलू सिंह ने क्या पुलिस को बताया है इस पूरे मामले में, इसके पीछे हाथ किसका था? क्या गोलू सिंह की कोई दुश्मनी थी या किसी के कहने पर उसने काम किया? नहीं, अभी तक इस संबंध में पुलिस ने ये स्पष्ट नहीं किया कि मतलब किस बात को लेकर के इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। तो अभी ये वजह स्पष्ट नहीं हो पाई थी कि किस बात को लेकर के ये घटना को अंजाम दिया गया, क्या वजह रही है। गोलू सिंह ने अपना गुनाह क्या कबूल किया है, पुलिस ने कुछ बोला? नहीं, अभी इस संबंध में पुलिस की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि जिसके बारे में अभी पुलिस ने बताया हो कि इसकी गिरफ्तारी कहां से की गई है और किस बात को लेकर के इन लोगों के बीच में विवाद हुआ था। ये अभी पुलिस ने इस संबंध में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धर्मेश आपका। तो गोलू सिंह की गिरफ्तारी हुई है और 8 आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तार हुई है। विधायक का रामबाई का भतीजा है ये गोलू सिंह और मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरे हत्याकांड का। हालांकि पुलिस ने कोई डिटेल अब तक नहीं बताया कि क्या पूछताछ में गोलू सिंह ने बताया है। गिरफ्तारी हुई है, इस बात की जानकारी आईजी सतीश चंद्र सक्सेना ने खुद दी है। और उबरिया से बड़ी खबर, जहां बीजेपी नेता ज्ञान